रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। मुंबई वालों की नई मुश्किल, बारिश का पानी उतरा तो निकलने लगे सांप। बारिश के बाद एनडीआरएफ ने वसई इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश ने जनवरी जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, पानी घरों तक घुस गया है, वहीं रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। जानकारी के मुताबिक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सांपों का खतरा आ खड़ा हुआ है। मुंबई में वसई के कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि पानी में सांप घूमते हुए नजर आ रहे हैं। शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, बारिश के बाद एनडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पालघर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रशांत नरनावरे ने बताया कि एनडीआरएफ कंपनी वसई पहुंच गई है, अगर जरूरत पड़ी तो और रेस्क्यू टीम भी वसई पहुंच जाएंगी। पिछले 10 दिनों में हुई एक महीने के बराबर बारिश। उधर मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई में पिछले 10 दिनों में 864.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो एक महीने के बराबर मानी जा रही है। बारिश के चलते रेल सेवा पर बुरी तरह प्रभाव पड़ा है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी भारी जलभराव देखा गया। हालांकि बुधवार को लोगों को कुछ राहत मिली है, इसके बाद कई इलाकों में सफाई शुरू हो गई है। इससे पहले भारी बारिश के कारण पश्चिम रेलवे के नालासोपारा और वसई स्टेशनों के बीच में फंसी लंबी दूरी की दो ट्रेनों के करीब 2000 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया।